और बड़ी खबर, सर्वदलीय बैठक में जातीय गणना की मांग रखी गई। मायावती ने जातीय जनगणना की मांग रखी है। शीत सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक हुई और उसके बाद मायावती ने ट्वीट किया और ये जानकारी दी है। कल से शीतकालीन सत्र शुरू होगा और उससे पहले जातिगत जनगणना की मांग मायावती ने रखी है। आपको बता दें, सोमवार से शीतकालीन सत्र शुरू होगा। कल रविवार है, सोमवार को सदन की कार्यवाही होगी, शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी और मायावती ने जातीय जनगणना की मांग रखी सर्वदलीय बैठक में। सदन से पहले, शीत सत्र से पहले जो सर्वदलीय बैठक हुई उसमें बसपा की ओर से जातिगत जनगणना की मांग रखी गई। मायावती ने ट्वीट भी किया इसे लेकर और इसकी जानकारी दी कि बसपा की तरफ से जातीय जनगणना की मांग रखी गई है। बड़ी खबर, सोमवार से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और उससे पहले जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई है उसमें बसपा की ओर से जातिगत जनगणना की मांग रखी गई है। आपको बता दें, कांग्रेस भी इसको लेकर मांग कर रही है और उसने ऐलान भी किया है कि जिन राज्यों में सरकार बनेगी कांग्रेस की, वहां पर जातिगत जनगणना कराई जाएगी। बिहार में यह काम हो चुका है, कई विपक्षी दल इसके पक्ष में हैं और शीतकालीन सत्र से पहले जो सर्वदलीय बैठक हुई उसमें अब बसपा की ओर से भी इसके लिए कहा गया है। आप